वैशाली नगर विधानसभा के पूर्व विधायक स्वर्गीय विद्यारतन भसीन ने अपने जीवंत के समय में अपनी निधि से कई विकास कार्यों के लिए राशि प्रदान की थी, जिसका विधिवत भूमि पूजन जिले के सांसद विजय बघेल के कर कमलों से संपन्न हो रहा है। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक स्वर्गीय विद्यारत्न भसीन ने अपने अंतिम समय में अपने विधानसभा क्षेत्र के कई वार्डों में अपनी निधि से विकास कार्यों के लिए राशि देने का ऐलान किया था, परंतु इसी बीच उनकी आकस्मिक निधन से सारे कार्य रुक गए थे। अब इन कार्य को नए सिरे से प्रारंभ किया जा रहा है, जिसके लिए दुर्ग लोकसभा के लोकप्रिय सांसद विजय बघेल एवं वार्ड के स्थानीय पार्षद सहित स्वर्गीय भसीन जी की सुपुत्री दिव्या भसीन ने साथ मिलकर इन सभी विकास कार्यों का भूमि पूजन कर रहे हैं। इसी कड़ी में वार्ड 30, जो चारों वार्ड का केंद्र माना जाता है, वहाँ पानी टंकी के समीप विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन सम्पन्न हुआ। स्वर्गीय भसीन जी के रुके हुए कार्यों को पूरा होता देख दुर्ग सांसद विजय बघेल सहित स्वर्गीय भसीन जी की सुपुत्री दिव्या भसीन भी भावुक हो गई और उन्होंने वार्ड वासियों को इन विकास कार्यों की शुरुआत के लिए ढेरों बधाइयाँ दी। वहीं वार्ड 30 की पार्षद सत्या देवी जायसवाल ने वैशाली नगर के पूर्व विधायक विद्यारतन भसीन को याद करते हुए उनकी छवि का गुणगान किया। हमारे पूर्व विधायक सम्माननीय भैया विद्यारतन भसीन जी अंतिम क्षणों में जिन कार्यों का स्वीकृति उन्होंने बड़े मन से भावना से की थी इस अपने क्षेत्र के जनता के सेवा के लिए, उसका हम सब मिलकर आज लोकार्पण भूमि पूजन कर रहे हैं और लगातार ये तीसरा कार्यक्रम है। परसों भी लगभग 1 करोड़ की राशि की स्वीकृति जो हुई थी पूर्व में भैया विद्यारतन भसीन जी के द्वारा उसका, और अभी हम लोग कमला मेडिकल सुपेला में लगभग 70 लाख की राशि का कार्यक्रम संपन्न किया, और अभी यहाँ पर जो जलेबी चौक क्या बोलते हैं पानी टंकी के पास राम जानकी मंदिर के पास यहाँ पर लगभग 3 वार्डों का या 4 वार्डों का संगम है, वहाँ अभी 50 लाख रुपए की राशि का अभी लोकार्पण भूमि पूजन कर रहे हैं। और हमारे साथ में यहाँ माननीय भसीन जी की सुपुत्री दिव्या जी हैं, इस वार्ड की पार्षद सत्या जी और जालंधर जी, और एक कौन है राजू जी, प्रतिनिधि राजू, साथ साथ भाई हमारे जिला के सम्माननीय अध्यक्ष महेश वर्मा जी, सम्माननीय भोजराव सिन्हा जी और सभी भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा युवा मोर्चा स्वीटी कौशिक जी सब यहाँ उपस्थित हैं और इस वार्ड को और अच्छा बनाएं और माननीय स्वर्गीय विद्यारतन भसीन जी की परिकल्पनाओं को हम सब यहाँ साकार करें, उस भावना से आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारा सौभाग्य कि उस पुण्यात्मा के अधूरे कामों को हम सब मिलकर पूरा करने के संकल्प लिया है और उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे, इन्हीं कामना के साथ वार्ड वासियों को बहुत बहुत बधाई बहुत शुभकामनाएं। कब तक शुरू हो पाएगा ये कार्य? ये तो भूमि पूजन हो गया, जल्दी से शुरू हो जाएगा। ये बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर उनने अपने वार्ड वासियों के लिए जो सोचा था वो जाते जाते उस कार्यों के लिए वो राशि करवा पाए, और आज भैया के हाथ तो उनका भूमि पूजन हुआ, भैया और पापा का, मेरे को भैया पापा जैसे ही छवि दिखती है तो भैया के हाथों हो रहा है, इस बात की बहुत खुशी है और वार्ड वासियों को सबको बधाई, और पापा का सपना पूरा हो रहा है तो खुशी तो हो रही है। 4 वार्डों का सेंटर होने के वजह क्या होता है कि हमारे वार्ड से जुड़े हुए जो वार्ड हैं उनमें भी सभी कार्य होने हैं, और ये कार्य जो होने हैं भसीम जी के द्वारा उनकी निधि से हम लोगों को प्राप्त हुआ है। और आज तो भसीम भैया हम लोग के साथ में नहीं हैं, लेकिन उनका काम बोल रहा है और उनका काम आज पूर्ण तरह से होने जा रहा है। इस काम को करने के लिए भूमि पूजन के लिए हमारे श्री विजय बघेल जी उपस्थित हुए थे यहाँ पे, और विजय बघेल हमारे सांसद, लाडले सांसद, हम सबके चहेते सांसद, और उनके द्वारा आज यहाँ पर पूजा किया गया भूमि पूजन। और जो हमारे स्वर्गीय विद्यारतन भसीम जी हैं उनके कार्यकाल का काम जो होना था वो आज संपूर्ण होने जा रहा है, और उनकी सपुत्री विद्या भसीम जी भी उपस्थित रहीं इस कार्यक्रम में, और भैया तो नहीं हैं लेकिन भैया का काम सर चढ़कर बोल रहा है। जैसे कि भैया, हम जब भी हम भैया को मिलते थे और ये कहते थे कि भैया हमारे वार्ड में ये काम होना है, तो भैया इतने ही अच्छे थे, इतने ही सरल स्वभाव के थे कि वो तुरंत ही उस काम को स्वीकृति दे दिया करते थे कि जाइए आप करिए, क्या काम करना चाहते हैं ऐसा बोलते थे। वैसे
तो क्या बोलूं, अब भैया तो नहीं है, उस चीज़ का हमें बहुत दुख है। भैया के जैसे सरल स्वभाव नेता होना बहुत मुश्किल है और उनके जैसा नेता हमने अभी तक नहीं पाया और बहुत कम समय मिला हमें उनके साथ रहने को। और तो हम चाहते थे कि भैया अगर और आगे भी होते तो हम सभी को सीखने के लिए उनसे बहुत कुछ मिल सकता था, क्योंकि भैया बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। उनके साथ बैठना, उनके साथ बैठने का मतलब है कि हमें ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं मिलना, बस ज्ञान ही ज्ञान प्राप्त होता था। तो इस चीज़ को हमें बहुत दुख भी है कि भैया हम सबके साथ नहीं हैं, लेकिन इस चीज़ का खुशी भी है कि भैया का जो कार्य था, जो वादा किया था भैया ने, वो कार्य आज पूर्ण होने जा रहा है। वार्ड 30 में हुए भूमि पूजन के आयोजन में वार्ड 30 में बनने वाले सियान सदन और एक डोमशेड जहां शामिल हैं, तो वहीं पास के अन्य वार्ड में एक डोमशेड एवं सामुदायिक भवन भी शामिल है। एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।